कितना टन माल जा रहा है? 11,000 किलो भाई। जैसे आप लोगों को दिखा रहे फिशरी आए हुए, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं इस वक्त कौन कौन सी मछलियाँ, पापलेट वगैरह आई हुई है, फिश हीरा आई हुई है, इसके अलावा जो बड़ी मछली आई हुई है। यहाँ पे इस तरीके से तैयार होती है। अब ये जो दूसरी लांच भी निकल ली है दोबारा। मैं अस्सलाम वालेकुम, और आप देख रहे हैं मेमन ब्लॉग। तो भाई आज हम आए हुए हैं फिशरी पे। फिशरी पे आप लोगों को दिखाते हैं भाई इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, माल जो किस तरीके से आया था और किस तरीके से माल जो जाता है और माल जो सारा कहाँ जाता है। तो इनशाला आप लोगों को सारी चीज़ों की अपडेट देंगे भाई वीडियो में साथ छोड़े। सलंग वीडियो चला रहा हूँ मैं, इसमें कोई काट पीट नहीं करूंगा, इनशाला कोशिश करूंगा सलंग वीडियो चलाऊंगा अगर कोई ना पकड़े, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता है भाई मार्केट्स के अलावा जो है यहाँ पे वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। माल जो यहाँ पे आता है प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर आता है, किस तरीके से माल आता है, किस तरीके से देखें लांच जा रही है, एक लांच जा रही है दूसरी लांच आ रही है, एक लांच जा रही है दूसरी लांच आ रही है, देखें लाइन से लगी है लांचें एक एक करके जा रही है और एक करके भाई आती भी जा रही है। काम जो है यहाँ पे बड़ा स्पीड से चल रहा है। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ फिशरी पे, और तकरीबन शाम का टाइम हो रहा है। शाम के टाइम मैंने आप लोगों को फिशरी के सूरत हाल दिखाऊँ कि फिशरी में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है भाई, समंदर जो है वो क्या कह रहा है। और पाकिस्तान में जो है वो भरपूर समंदर है, यहाँ पर जो है वो एक खजाना है ये कि आप लोगों को जो है अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, यहाँ पर जो है वो फिशरी फिश पकड़ी जाती है। और बाकी जो मुल्कों में होता है भाई ये सारी जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, तो वहाँ पे जो है फ्रेश मछली खाने को नहीं मिलती। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है मेरी नज़र में जहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर मिलती हैं, फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप लोगों को दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पर रश चेक करें, आप लोग सारी लेबर खड़ी है, बाकी जिनका माल था वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जिस तरीके से इनका माल आ रहा होता है। तो भाई जैसे जो है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे सारी कश्तियाँ जो है वो आने का टाइम हो चुका है, एक के बाद एक जो है वो कश्ती आ रही है। यहाँ पे माल जो है वो स्वागत आ रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ माल भी आया। कुछ लोग जो है वो यहाँ पे माल लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो है माल बेचने के लिए आते हैं। भाई यहाँ पे खड़े हैं, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? यहीं पर होते हैं आप जी? मज़दूरी करते हैं। तो यहाँ पर मतलब किस कश्ती आने का टाइम वगैरह क्या है? ये शाम के टाइम पे कश्ती आने का टाइम है। जाने का टाइम क्या है? जाने का टाइम रात आधी रात को निकल जाता है, और तकरीबन शाम के टाइम वापसी आए थे। तो तकरीबन कश्ती कितना माल लेकर आते हो, क्या किलो जाता है? ये सबका अलग अलग रेट है। खाली माल उतारते तो कितना माल तकरीबन अभी आना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ शुरू हुई हैं। अभी तो भाई माल जो स्पीड से आ गया, जैसे आप लोग देख रहे हैं माल, ये देखें भाई, ये देखें यहाँ पे जो माल, ये देखें एक के बाद जो एक कश्ती लग चुकी है। माल में आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें बड़ा झींगा इसमें आया हुआ, बड़ा छोटा सारे साइज़ के आया हुआ है, सारा शिकार करके माल लेकर आते हैं ये लोग। ये देखें सुबह जाते हैं और शाम में जो इतना माल आ जाता है, और इतना माल जाता कहाँ है? ये सारा माल तकरीबन जो है एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है। ये देखें माल सारा साफ़ सुथरा माल है। ये देखें हर तरह की आपको मछली भी मिलेगी, और झींगा जो है वो थोड़ा ज़्यादा मुझे दिख रहा है आज जो है वो फिशरी पे, आज झींगा जो है वो ज़्यादा आया हुआ है। क्योंकि तकरीबन जितनी कश्तियाँ इस वक्त आ रही हैं, शाम के वक्त मैं मौजूद हूँ फिशरी में, और जितनी कश्तियाँ इस वक्त आ रही हैं ये सब जो है वो इस वक्त तकरीबन जो है वो झींगा लेकर आ रही है। छोटा बड़ा सारे साइज के झींगे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, मछलियाँ हैं लेकिन मछलियाँ जो है वो कम है, झींगा जो है वो इस वक्त ज़्यादा आ रहा है। भाई वो क्या बोल रहे हैं भाई, अगस्त का महीना है इस वजह से? अगस्त के महीने में माशाल्लाह झींगा बहुत होता है। मछलियाँ वगैरह जो बड़ी मछलियाँ आती हैं वो किस महीने में आती ज़्यादा? वो बड़ी मछलियाँ भी स्टार्ट है, जैसे कि सुरमा ही हो गई। हाँ, सर्दी में मजीद ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ेगी। मतलब सुरमा इस वक्त आना शुरू हो चुकी है। सुरमा भाई वो बंदा फेंक रहे हैं, वो देखो सामने जो बता रहे हैं भाई, वो बड़े जो मछलियाँ फेंक रहे हैं वो सुरमा ही फेंक रहा है। झींगा इस वक्त जो आ रहा है ज़्यादा, तो ये सुबह आते हैं, शाम सुबह खाली कश्ती लेके आते हैं, शाम में भर के लेके दोपहर को आते हैं। ये सुबह जाते हैं एले में, फजर में 3 बजे 5 बजे 7 बजे ये लोग निकलते हैं। इस टाइम आते हैं तो इस वक्त झींगा इतना ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, तो अगस्त में झींगा सबसे ज़्यादा पकड़ा जाता है। अगस्त में पकड़ा जाता है। झींगा जाता कहाँ इसका बार थोड़े नॉलेज है? ये जाता कहाँ हमारे मतलब बाहर मुल्क में भी आता है और बाहर मुल्क में भी जाता है। ये सारा माल देख सकते हैं इस वक्त, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें भाई केकड़े वगैरह भी पकड़े हुए हैं यहाँ पे, केकड़े वगैरह भी आए हैं। केकड़े मैंने अंदर मालूम गए थे 400 रुपये किलो तकरीबन चल रहा था केकड़ा, बाकी जो फिशरी है यहाँ पे झींगा है, झींगे में भी 250, 300, 400, 600, 800 हर तरह का जो है वो झींगे में भी रेट चल रहा था। छोटा झींगा जो है 200-250 से स्टार्ट था, बाकी जो है वो और आगे चल रहा था। ये देखें भाई सागे झींगे चल रहे थे, सुरमई आ रही है,
इनमें रख। ये सब सरमई अभी अभी निकली है, पासिंग का पास चल रहा है। कितने बड़े बड़े दाने इनके हाथ में, दाने देखें खाली सामने देखें, लाश में पूरे सिर्फ सुरमई सुरमई रखी हुई है, सारा बड़ा दाना रखा हुआ है। माल देखें माल, ओए होए 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 होए, माशाल्लाह इतना बड़ा दाना। बाकी छोटे दाने और भी देखें, सारा जो माल आ रहा है इस तरह हर तरीके का। ये देखें भाई, ये सारे तीन दाने जो आखिरी में निकले वो बड़े निकले, ये देखें तीनों बड़े दाने। तो भाई जैसे आप लोगों को दिखाया कि माल ही माल आ रहा है यार, ये देखें एक के बाद जो एक लॉन्च आ रही है इधर, और माल जो आप लोगों को दिख रहा होगा भरपूर। यहाँ पे देखें भाई एक और लॉन्च लग चुकी है इस वक्त, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो झींगा देखने को मिल रहा है मुझे। ये देखें लॉन्च निकल भी रही है और लग भी रही है भाई, हर तरह की जो है वो लॉन्च। ये देखें भाई लॉन्चों में माल जो है वो, ये देखें एक तरफ यहाँ पे माल निकल रहा है, ये देखें एक तरफ यहाँ पे माल निकल रहा है, एक तरफ जो है वो यहाँ पे, अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे माल निकल रहा है। ये देखें माल काम भी कर रहे हैं भाई, भाई लोग, भाई लोग वो परेशान भी नहीं करेंगे। बाकी काम जो हो रहा है वो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम होता है। ये सारा झींगा है, टोटली झींगा है भाई, सारा बड़ा झींगा छोटा झींगा हर साइज़ का झींगा जो है यहाँ पर आया हुआ है। शाम का वक्त हो रहा है भाई, सुबह सुबह के वक्त जो है वो नहीं आता माल, माल जो है वो आता है शाम को, और तकरीबन जो है वो रात में जो है वो ऑक्शन वगैरह हो जाती है, उसके बाद जो है वो माल सेल पे निकलता है। ये देखें मछली भी आ गई, लेकिन झींगा जो है वो भाई भरपूर आ रहा है। देखें पीछे एक लॉन्च और आई, ये भी अभी लगेगी, एक लॉन्च और आ रही है, इसी तरीके से लॉन्च आती जा रही है। ये देखें छोटा झींगा आइए, ये आइए भाई छोटा झींगा, तो ये देखें झींगा ही झींगा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ झींगा आ रहा है इस सबसे ज़्यादा ऊँचे दरियाओं में। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, ये देखें लांचे पे लांचे आती जा रही है। ये देखें भाई किस तरह से झींगा निकाला जाता है, देखें झींगा आइए सारा, ये देखें झींगा भाई झींगा झींगा है भाई, चाइना में बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये भी झींगा है, और ये बड़ा है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें भाई हर तरह का जो झींगा आ रहा है इस वक्त यहाँ पे, अभी जो भाई ने उठाया जिंदा झींगा निकाला, और जिंदा झींगे देखे भाई, ये देखें भाई झींगे देखे, झींगे की भरमारी आ रही है इस वक्त यहाँ से। ये देखें ये भी झींगा सिर्फ और सिर्फ झींगा आता हुआ जा रहा है यहाँ से, अभी इसकी जो है बोली लगेगी, बोली के बाद जो है सारा सेल होने के लिए आता है, जो कंपनी परचेज करती है उस कंपनी में माल जाता है। देखें सिर्फ और सिर्फ झींगा ये बिकेगा, और अंदर जो है वो बिक चुका है, क्या हिसाब होता है वैसे ये मार्केट के ऊपर है भाई, अभी इसके रेट जो है वो डिसाइड नहीं हुए होते। 1100 रुपये किलो दादा जो बता रहे हैं भाई, वो 1100 रुपये किलो बता रहे हैं। बाकी जो है वो ये छोटा है, यहाँ पे छोटा है झींगा, देखते भाई झींगे का साइज देखें पहले आप लोग, ये देखें भाई साफ सुथरा झींगा आया हुआ है इस वक्त यहाँ पे। ये देखें भाई उठा के भी दिखा रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल ताज़ा झींगा अभी अभी पकड़ के आ रहा है माल, अभी अभी माल आया है सामने, देखें बर्फ़ भी लग रहा है माल, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो ये देखें ये भी यहाँ पे बर्फ़ लग रहा है, छाटी हो रहा है माल, इसके बाद जो है वो इस तरीके से पूरा बर्फ़ में पैक होकर फिर जाता है। ये देखें इसमें भी बर्फ़ लग रहा है, अभी आपको दिखा रहे थे, ये देखें इस तरीके से इसमें बर्फ़ लगाई जाएगी सारी, और उसके बाद जो है वो इसको जो बाहर कंट्री में जाता है उस तरीके से बाहर ये एक्सपोर्ट होता है, सारा एक्सपोर्ट वाला माल है इस वक्त जो फिशरी में पकड़ा जाता है, और इसके बाद जो है यहाँ से जाया जाता है। क्या हिसाब से बिक गया भाई? 320 के हिसाब से बहुत छोटा माल है, वो सारे 150 भाई। ये देखते हैं इस वक्त बड़े झींगे भी यहाँ पे दिखे हैं मुझ, यहाँ पे जो है बड़े झींगे 1200 रुपये किलो है, बाकी आपको मार्केट में जो है वो वाले 2500, 2000, 3000 रुपये किलो देखने को मिलते हैं, और भी आगे पड़े वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। भाई ये देख रहे हैं इस वक्त फिशरी में मौजूद है, तो मैंने आपको केकड़े भी दिखाए, जो केकड़े के शौकीन होते हैं केकड़ा खाने के, वो केकड़े भी निकले। ये देखें भाई सारा निकला हुआ है माल, फ्रेश माल है, 400 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पे इस वक्त, आज के जो रेट है केकड़े के वो 400 रुपये किलो, 250, 300 रुपये किलो वाला।
बिल्कुल ताज़ा माल आया हुआ भाई। ये ताज़ा माल था जो भी आप लोगों को दिखाया 250-300 रुपए किलो, बाकी जो मार्केट में अलग अलग रेट होते हैं। तो भाई ये इस तरफ आए हैं आप लोग, यहाँ पे दिखाते हैं जो कौन कौन सी किस्म की मछली है। तो भाई से पूछते हैं, भाई सुरमई भी है, काला पापलेट भी दिख रहा है, इसके अलावा जो है वो हीरा भी है, और भी बहुत सारी किस्म की पड़ी हुई है। तो पैसे वगैरह पूछते हैं फारिग कर दो। सुरमई क्या हिसाब है? सुरमई क्या हिसाब है? सुरमई 1500 रुपये किलो, और ये हीरा, हीरा 800। ताज़ा है? और काला पापलेट? काला पापलेट भाई 800 रुपये किलो है। इसके अलावा जो है वो और भी इनके बड़ी बड़ी पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं। ये कौन सी कहलाती है? वाइट वाइट कौन? ये क्या किलो होती है? 1100 रुपये किलो था वाइट कौन के हिसाब से। बाकी जो है वो छोटी मछलियाँ भी होती है सर। और आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सुरमई है क्या किलो है यार? ये वाली क्या हिसाब है भाई? ये डोरी वाली है, 1700 रुपये किलो के हिसाब से डोरी वाली है। रिकॉर्डिंग कर, रिकॉर्डिंग होनी है। 1700 रुपये किलो के हिसाब से, और ये है डोरी वाली, ताज़ा है। और इस एक का वज़न कम से कम 4 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वज़न है। और इसके बाद आगे भी चलो, ये देखो यार, ये देखो बड़ा दाना इसका भी पड़ा हुआ है। ये कौन सी भाई? सारंग। ये भी सारंग। सारंग क्या पैसे? क्या पैसे? 800 रुपये के हिसाब से होगा। 10 किलो का दाना, देखो मैं 10 किलो का दाना है। इसी तरीके से भाई यहाँ पर माल है, और आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं। चाल वाली है, 1400 रुपये किलो है भाई, चाल वाली है। और खाली कली नहीं होगी, इसके अलावा जो पूरी मछली है। भाई देखिए, ये 1500 रुपये के हिसाब से जो है सारा माल, और अभी जो है सारा काला पापलेट है। काला पापलेट जो 1500 रुपये के हिसाब से आया था, और ये सब माल जो है वो सोल्ड हो चुका है यहाँ पर। देख सकते हैं, ये निकाल लें, ये देखें सारा माल जो है सोल्ड हो चुका है। ये जो है माल देखें, दाल भी है, सारा माल पैक होके जा रहा है। सारा काला पापलेट है भाई, ये सब जो है वो सोल्ड हो चुका है इस वक्त यहाँ पर। सारा जो है वो इसमें डाला जा रहा है, और उसके बाद जो है वो इसके बाद यहाँ से जो है वो जाएगा आगे। देखिए इसका जो है ये प्रोसेस है, थोड़ी बहुत जो है मछलियाँ रखने के बाद जो है वो ऐसे थोड़ा सा जो है वो बर्फ़ डाला जाता है इसके ऊपर, कि जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। ये देखिए संग्रा, संग्रा ये पुंड है, तो चले यार। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट मिनट, तक के लिए इजाज़त है भाई को। अल्लाह हाफिज़।